हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मेरे पास है यूबॉन का स्पीकर SP70। आज इसके हम प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत से मैंने रिव्यू पढ़े, इसमें गलत सही रिव्यूज़ आते रहते हैं, तो ये मैं एक ट्रू रिव्यू दे रहा हूँ आपको। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये स्पीकर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले बात करेंगे प्रोज का। प्रोज इसमें गाइज यही है कि इसका जो साउंड है बहुत ही लाउड है, आपको इसमें लाउड साउंड मिलेगा, और जो इसका क्वालिटी है ब्लूटूथ साउंड क्वालिटी वो भी अच्छी है, मैंने पर्सनली इसको चेक किया हुआ है। और दूसरा प्रोस ये है कि इसका जो बटन्स है ना, 1, 2, 3, 4, इसका बटन्स बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिव है। मतलब जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देगा। अगर आपको इसमें वॉल्यूम बढ़ाना हो तो इसको आपको प्रेस करके रखना है, 2 सेकंड के बाद ही वॉल्यूम जो है आपका फुल या इससे कम हो सकता है, हो जाएगा। और इसका तीसरा प्रोस बात कर लेते हैं, इसका जो ऑडियो क्वालिटी है जो कॉल पे है, अगर आप इससे कॉल पे भी बात कर सकते हो, यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, ये माइक्रोफोन है, तो इस पे आप कॉल पे भी बात कर सकते हो। एक तरह से हैंड फ्री का, मतलब हैंड फ्री का आप इससे आनंद उठा सकते हो। तीसरा ये है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार, आपको सुनने से लगता है कि मतलब इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। और इस पे और एक अच्छी बात इसमें यह है कि जब भी आप स्पीकर को टेबल पे प्लेस करोगे तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ उठा रहता है, ताकि आपको ये जो साउंड है आपको साउंड रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिले। और इसका नेक्स्ट प्रोस यही है कि इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही शानदार दिया गया है। मैंने इसको अमेजन से ख़रीदा है, बाकी फ्लिपकार्ट पे मुझे तो 1600 mAh का मिल रहा था, लेकिन 2400 mAh का मिला है मुझे अमेजन से, तो मैंने इसको अमेजन से लिया है। तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ही लगभग आपको 10 आवर्स आराम से मिल जाता है इसका जो बैटरी बैकअप है। तो गाइस कॉन्स का बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो साउंड होता है उसमें 3 फ्रीक्वेंसीज होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो इस स्पीकर में जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इससे थोड़ी सी साउंड को जो क्वालिटी है ओवरऑल वो थोड़ा सा कम हो जाती है, आपको अच्छी तरह से HD साउंड नहीं मिलता है। किसी भी अच्छे स्पीकर के लिए उसका जो मिड है वो थोड़ा सा लो होना चाहिए, और बेस लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि बेस और ट्रेबल फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस स्पीकर में ऐसा नहीं है, इसमें मिड ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि हाई और लो यानी कि बेस और ट्रेबल कम है और मिड ज़्यादा है। तो आपको ये एक तरह से माइक का काम करता है, बॉक्स की तरह काम नहीं कर रहा है ये। मैंने इसको टेस्ट किया है इसलिए मैंने इसको रिटर्न भी कर दिया है, मुझे इसका यही पसंद नहीं आया, बाकी ओवरऑल मुझे अच्छा लगा था। तीसरा कॉन्स ये है कि जब भी आप स्पीकर को ऑन करोगे, आप अगर मान लो कि अगर आपको सॉन्ग सुनने का रात में मन करता है, 12 बजे इसको आप स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। यहाँ से लाइफ में लाए म्यूजिक, म्यूजिक में लाए लाइफ, यू बॉर्न बॉर्न टू बी फ्री। तो जब भी आप ऑन करोगे 12 बजे रात में, ये आपको सुनाएगा, यानी कि पूरे गांव वाले, इससे आप समझ जाएंगे गांव वाले कि आपका जो स्पीकर है वो ऑन हो चुका है। तो इसको जो ब्लूटूथ कंपनीज हैं, स्पीकर कंपनीज हैं, उनको इससे बचना चाहिए। क्या यार ये सब चुटमुट का दे रहे हैं, ये ब्लूटूथ साउंड रेडी टू कनेक्ट कनेक्टेड, इससे पता नहीं चलेगा क्या कि मैंने कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे गुस्सा था इसलिए मैंने बोल दिया। तो सोच रहे हो कि आप इसको हम चुपके रात में बजा ले तो नहीं, इससे गाँव वालों को पता चल जाएगा, आपके घर वालों को पता चल जाएगा कि आप गाना सुन रहे हैं, सोए नहीं है। तो ये इसका मुझे ख़राब लगा। आप भी आपको मैं सुना देता हूँ शुरू से, ये क्या क्या बोलता है, इसको आप हटा नहीं सकते। लाइफ में लाए म्यूजिक, म्यूजिक में लाए लाइफ, यू बॉर्न बॉर्न टू बी फ्री। ये तो इसका हो गया ट्रेलर। The Bluetooth device is ready to pair. ये वाला जो है इंग्लिश वाला, ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। अब जब जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा फिर ऐसे ही कुछ बोलेगा ये कनेक्टेड। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, इसको मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। The Bluetooth device is connected successfully. ये बहुत ही इरिटेटिंग है, अगर आप कोई स्पीकर चाहते हो तो ये बहुत ही आपको इरिटेटिंग लगेगा।
जब भी ऑन करोगे ये साउंड बजेगा। तो तीसरा जो कॉन्स है, पहला कॉन्स तो आपको बता दिया मैंने, जो इसका मिड है वो थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा है साउंड क्वालिटी में, और जो बेस और ट्रेबल है कम है। और तीसरा हम कॉन्स की बात करेंगे, जो इसका बेस है, बहुत से रिव्यू मैंने पढ़े हैं कि इसका बेस बहुत ही ज़्यादा है, ये होम थिएटर जैसा बजता है, लेकिन ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं है। इसका जो बेस है नॉर्मल, आपको नॉर्मल से थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मिड फ्रिक्वेंसीज का प्रयोग किया गया है वो ज़्यादा किया गया है, बेस और ट्रेबल कम दिया गया है, तो इसमें आपको बेस थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जैसे आप इक्वलाइजर का यूज़ करोगे तो बेस आपको समझ में आएगा, अगर आप विदाउट इक्वलाइजर यूज़ करते हो तो बेस आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। हाँ, इसका जो साउंड है वो क्वालिटी, वो मतलब साउंड लाउड है, लेकिन बेस और ट्रेबल बहुत ही, ट्रेबल तो है लेकिन बेस थोड़ा सा है। अगर आप ये स्पीकर बेस के लिए ले रहे हो तो ये मैं तो सजेस्ट करूँगा मत लो। तो गाइस ये था प्रोस एंड कंस, इससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि ये स्पीकर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप अगर कुछ शब्दों में कहूँ तो, अगर आपको लाउड साउंड पसंद है, ज़्यादा आप क्वालिटी के चक्कर में नहीं रहते हो, आपको जो गाँव वालों को सुनाना है, तो ये स्पीकर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पर्सनली यूज़ करते हो और साउंड क्वालिटी आप अच्छा चाहते हो, HD साउंड चाहते हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो गाइस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग।